आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने पटना के इस्कॉन मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि यह मंदिर बर्बाद किया जा रहा है, इसकी आड़ में गंदगी फैलाई जा रही है, यहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। इन दावों के साथ तेज प्रताप ने यह भी कहा कि वो जल्द ही इस बाबत सबूत भी पेश करेंगे। अपने फेसबुक लाइव में तेज प्रताप ने चार नाम भी लिए। तेज प्रताप ने कहा कि पटना के इस्कॉन मंदिर में कुछ लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है, 3 से 4 लोगों ने इसे खराब कर रखा है। बता दें कि तेज प्रताप ने पूरे मामले की शिकायत मायापुर के महाराज से की है। बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए कि बिहार का जो इस्कॉन मंदिर, जो गौरव हम लोग मानते थे, उस इस्कॉन का जो जमीन है, जब वो मंदिर नहीं बना था वहां पे, तो इस्कॉन का जो जमीन है, हमारे माता और हमारे पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारी माता श्रीमती जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उन्होंने वहाँ पे डोनेट करने का काम किया था, जमीन देने का काम किया था। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे चुनिंदे जो भक्त हैं और खासकर वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ये लोग सब मिल करके और भगवान का जन्म नहीं मनाने का काम किए हैं। पूरे तरीके से मुझे शर्म आता है और मैं यदुवंशी हूँ और जितने भी यदुवंशी भाई लोग हैं और जितने भी समाज के लोग हैं, तमाम समाज के लोग जो भगवान को मानने का काम करते हैं, वहाँ पे जो इस तरीके का जो हरकत उन लोगों ने जो करने का काम किया, बहुत दुर्भाग्य है। मतलब मेरे आँख से अश्व की धाराएं बहने लगी जब मैं वहाँ पे, जब मैं गया तो पूरे तरीके से मुझे बहुत दुख लगा इस वहाँ इस्कॉन टेम्पल में जब मैं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में इस्कॉन टेम्पल है। मैं वृंदावन में भी जाता हूँ, तमाम जगह में जाता हूँ, सब जगह में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पटना में जो इस्कॉन टेम्पल है, यहाँ पे 4-5 भक्त जो हैं वो खराब किए। मैं उनका नाम भी ले लूँगा आज मैं आपके सामने, क्योंकि मैंने इस्कॉन के बहुत बड़े महाराज, उनका नाम है गोपाल कृष्ण महाराज से भी मैं मिला हूँ जा करके, और यहाँ पटना के इस्कॉन के बारे में भी उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताने का काम किया कि पटना इस्कॉन में जिस तरीके से जो चल रहा गतिविधि जो चल रहा वो सही तरीके से नहीं चल रहा। वो 4-5 लोग जो हैं, आज हमारा 15-20 साल हो गया, 15-20 साल के अनुभव में अभी तक इस्कॉन मंदिर बना नहीं, मतलब आखिर काम रुका हुआ है उसका, इस्कॉन टेम्पल का। 4-5 लोग जो हैं इस पटना इस्कॉन मंदिर का जो काम है वो होने नहीं दे रहे हैं। वो 4-5 लोग जो हैं, एक तो वहाँ पहला जो है वहाँ का प्रेसिडेंट है कृष्ण कृपा दास, वहाँ का जो प्रेसिडेंट का नाम है पटना इस्कॉन जो बुद्ध मार्ग में है पाल होटल के बगल में, वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है कृष्ण कृपा दास, और ये कृष्ण कृपा दास के अंडर में 3-4 भक्त जो हैं, पहला हरिकेशव दास, दूसरा हरिप्रेम दास, तीसरा प्रमोद, ये तीन लोग जो हैं ये पूरे तरीके से मुझे शर्म आती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो हमारी बहनें हैं जो हमको वॉच करने का काम कर रहे हैं, हमारे भाई लोग जो हमको वॉच करने का काम कर रहे हैं, सेकंड लालू पेज पे जो फॉलो करने का काम करते हैं, मैं ये जो तीन लोग जो हैं, एक तो पहला प्रेसिडेंट जो हमने आपको नाम बताने का काम किया पटना इस्कॉन का जो प्रेसिडेंट है कृष्ण कृपा दास वो, और हरिकेशव दास, हरिप्रेम दास और प्रमोद, ये 4 लोग मिल करके पूरे तरीके से दुर्गंध मचाने का काम किया है। पटना इस्कॉन मंदिर को पूरे तरीके से इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया है। किसी के बड़े बड़े हेड लोग, बड़े बड़े महाराज लोग वहां बैठते हैं, तमाम लोग, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया कि वहाँ पे जो आप एक बार अपने से आ करके आप इस्कॉन मंदिर को आप देखने का काम कीजिए, कि ये 3-4 लोग जो भक्त लोग हैं ये पूरे तरीके से मंदिर को बर्बाद करके रखे हैं। और ऐसे ही मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पे, हमारे पास पूरे तरीके से सबूत है, पुख्ता सबूत है, मेरे पास ऑडियो क्लिप्स भी हैं कि किस तरीके से वहाँ पे महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। और पूरे तरीके से आप देख लीजिए, इतना बड़ा जो मंदिर है, मंदिर के आड़ में जिस तरीके से इन लोगों ने दुर्गंध जो मचाने का जो काम किया है, पूरे तरीके से जो
माहौल को खराब करने का जो काम किया, मेरे दोस्तों दुख होता है, मेरा आंख से अश्रु आता है। क्या करूं मैं, जिस तरीके से जो कांड हुआ, 8 साल के एक छोटे से बच्चे के साथ कांड हुआ, 8 साल के बच्चे के साथ। लेकिन इसके पास मेरा पूरा सबूत है, मेरे पास पूरा सबूत है। मैं अगला जो कल जो लाइव आऊंगा, इस पर मैं उस सबूत को आपके सामने मैं रखने का काम करूंगा और आपके सामने इसको खुलासा करने का काम करूंगा कि मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बिहार का जो गौरव, जो इस्कॉन, जो मंदिर है, इसमें जो 4 लोग हैं जो दुर्गति फैलाने का काम किए हैं, मैं एक बार फिर से उन 4 लोगों का आपके बीच में नाम रखने जा रहा हूं। कृष्ण कृपा दास, हरिकेशो दास और हरिप्रेम दास और प्रमोद, ये 4 लोग पूरे तरीके से इस्कॉन मंदिर को बर्बाद कर छोड़ दिए हैं। क्योंकि आज जब मैं भगवान का जन्मोत्सव का जो खुशियां, जो पूरे विश्व में जो आज भगवान का छठियार है, आज मैं जा रहा था वहां पे, लेकिन मुझे वहां पे इस तरीके का किसी भी तरीके का गतिविधि नहीं मिला और मैं वहां से निराश होकर के मैं अपने घर पे आ गया मेरे दोस्तों।